लॉन्ग टी शर्ट है तो निक्कर नहीं पहनती, इतना फायदा उठाती है लॉन्ग टी शर्ट का। ये देखो ब्रश कर रही है। और आज हम लेट हो गए वॉक करने के लिए, क्योंकि आज हमने अपनी गली में चोर देखे भाई। तीन लोग थे, बाइक पे थे, और तीनों ने काले काले कपड़े पहन रखे थे, काला मास्क लगा रखा था और कैप पहन रखी थी काली काली, बस आंखें दिख रही थी। मैं मतलब रूम से बाहर उठ के आई, मैंने रेलिंग पे खड़े हुई थी, तो वो ऐसे बाइक से पहले गए मंदिर की तरफ, फिर वहाँ से लौट के धीरे धीरे आ रहे थे। मुझे तब डाउट हुआ, तब मैंने मास्क नहीं देखा था उनके फेस पे। मैं ये सोच रही थी तीनों के काले कपड़े, तीनों ने कैप लगा रखी है, जिगरी दोस्त होंगे शायद से। पर जब वो लौट के आए, मैंने कहा मास्क, फिर मुझे और डाउट हुआ। मैंने कहा ये तो किसी का गेम बजाने आए हैं शायद। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो बाहर ब्रश कर रहे थे। मैंने कहा देखना, मेरे को इन पर ना बड़ा डाउट सा हो रहा है। तो एक उतर के ना, हमारी गली में पंडित जी हैं, उन्हीं के घर का ताला, मतलब वो थे नहीं, शादी वगैरह में गए होंगे, ताला खोलने में लग रहा था, शायद से तोड़ ही दिया एक ने तो। और मतलब दूसरा बाइक पे बैठे बैठे ये कह रहा था, अरे फ़ोन करो, खोल नहीं रहे हैं, उनसे फ़ोन करके पूछो, ऐसे कर रहा था। मतलब हम उसे पता चल गई थी हम देख रहे हैं, तो वो ऐसे नाटक कर रहा था शायद। तो फिर उन्हें लगा कि इनकी नज़र हस्बैंड वाइफ की दोनों की हम पे ही है, तो फिर कहने लगे यार पूछना, फ़ोन करके पूछ किस गली में रहते हैं। फिर उनमें से एक बोला, भाई साहब सात नंबर गली कहाँ है? तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये सात नंबर नहीं है, सात नंबर दूसरी तरफ है। तो बोले ये कौन सी है? मेरे हस्बैंड ने कहा, फिर अपनी गली का नंबर बता दिया कि ये है। पर मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ बहुत अच्छी की, उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, उस पर नंबर प्लेट लगी हुई थी, तो नंबर प्लेट से नंबर ले लिया। डाउटफुल थे हम तो इसलिए। और अब भी पता चला, पंडित जी जब आरती करके मंदिर से आए, पता चला कि ताला टूट गया उनका। तो अभी उन्होंने अपने लड़के वगैरह बुलाए फ़ोन करके, तो शादी वगैरह में गए थे। अब देखते क्या होता है, शायद से कंप्लेंट कराएंगे, लेकिन नंबर के अकॉर्डिंग अगर पकड़ा जाए तो पकड़ लिए जाएंगे, अदरवाइज़ हो सकता है चोरी की बाइक हो। हमें ये भी आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी स्कूटी उठा के ले जाए, हमारी नज़र इधर उधर हुई और हमारी स्कूटी उठा के ले जाए। पर वो ताला तोड़ रहे थे, वो चोर थे, और मैंग भी ऊपर आ गया। तो अभी नीचे चल रहे हैं, आज वैसे भी लेट हो गए थे, और आज नीचे इनको नाश्ते में ब्रेड देने तो टाइम तो लगेगा, फिर लंच भी रेडी करना है, लंच बनाने में लेट हो जाएंगे। मॉर्निंग से स्टार्ट किया, हाथ धो दूं तो चलो नीचे ही मिलते हैं, इन्हें रेडी वेडी करने के बाद। जब हम ऊपर आए थे तब 5-7 मिनट बचे थे बस, जब नीचे गए दोबारा आए तो वो भी खत्म हो चुके थे वॉक करने के। हाँ मतलब आज 6 बज गए थे, उन चोरों के चक्कर में ही बज गए थे, आ तो मैं पहले ही जाती, लेकिन उन्हें देख रही थी, उन पर निगाह रख रही थी अपनी, हम जागरूक नागरिक हैं इसीलिए। और उसका थोड़ा फायदा भी हो, थोड़ा नहीं बहुत फायदा हुआ, अगर हम नज़र नहीं रखते तो आज पंडित जी का घर लुट जाता भाई साहब। बच गए, थैंक गॉड। चलो फिर नीचे चलते हैं, मिलेंगे इन्हें रेडी वेडी करके। तो यहाँ पे रूही के लिए नाश्ता रेडी कर दिया है, बेड में लगा दिए हैं जैम केचप मेयोनीज, और अभी मैंग फ्रेश हो रहा है इसलिए उसे नहीं दिया, और नहा धो के रेडी होके निकल लिए स्कूल के लिए। और देखो रूही पे जूते नहीं बांधे जा रहे हैं, बस तैयार होके स्कूल निकल जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं, और अभी नाश्ता वास्ता रेडी किया है मैंने वॉक करने के बाद। कल ज़्यादा मतलब सुबह का ही मॉर्निंग का ही जो शूट हुआ तो वो हुआ था, फिर दिन में हुआ ही नहीं, क्योंकि कुछ हमने रील्स बनाए तो उसमें टाइम चला गया, कुछ हमने वीडियो देखे उसमें टाइम चला गया, कुछ घर के काम किए उसमें टाइम चला गया, और फिर ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए चले गए उसमें टाइम चला गया। तो फिर कल हमने वीडियो नहीं बनाई, मॉर्निंग में ही बनाई थी जितनी बनाई थी। और अभी मैं मॉर्निंग वॉक कर आई हूँ ऊपर, और आके नाश्ता रेडी किया है, रूही खा रही है अभी, मैंग तो फ्रेश होने गया है। यहाँ पे मैंने भी ले लिया है चाय, एक ब्रेड, और एक छुप गया है ये बिस्किट। तो ये है मेरा नाश्ता, और दिखाती हूँ रूही को, रूही कर रही है नाश्ता। तो रूही के नाश्ते में क्या है, दूध, चोकोस, ब्रेड और तरबूज। तो ये है इसका नाश्ता, तो अभी जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, ये नहाने जाएंगे और मैं इनके लंच की तैयारी करूंगी, और इतनी देर में महेंद्र जी भी आ जाएंगे भाई पार्क से, तो फिर देखते हैं इनके स्कूल के टाइम पे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स,
हेलो फ्रेंड्स, तो इनका टाइम हो गया स्कूल का, 7:45 बज चुके हैं, 8 बजे तक पहुंचना है, इसलिए पहले ही निकाल देते हैं। हमारे अंक के तो 7:15 के हैं, लेकिन निकल जाएगा, पैदल जाएगा, पहुंच जाएगा। बाय फ्रेंड्स। बच्चे भी चले गए, ये देखो डॉस निकल लेके आए थे, बच्चे चले गए, अभी दिखाते हैं कैसे पड़ा हुआ है। ये देखो रूई फ्रॉक इधर डाल गई अपनी, वो अपने कपड़े उधर डाल गया है, कूलर को इधर सरका गए हैं, किचन भी सारा मैसी पड़ा है, देखो सारा मैसी पड़ा है। ये सब अभी जब तक महेंद्र जी लौट के आएंगे तब तक मैं सारा समेट के रख दूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, वो आके नहाएंगे, पूजा करेंगे और निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। वैसे आज हो सकता है उनकी छुट्टी हो, क्योंकि अभी फ़ोन तो आया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं। तो फाइनली रूली आ गई है और मैं लेने नहीं गई थी इसको, मैं इनकी रखवाली पे बैठी थी। इनकी बहुत तगड़े 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 चोर आ रहे थे इन्हें चुराने के लिए। आई कैसे ये आई एक सीक्रेट पर्सन के साथ। सीक्रेट पर्सन कहाँ है? कपड़े उतार रहे, शकल दिखा रहे, शकल शकल दिखाओ, शकल शकल भी नहीं दिखा रहे, शर्म के मारे शर्म के मारे शर्म के मारे माइकल जैक्सन वाले दो तीन स्टंट वो करके दिखा। स्टंट नहीं होता, स्टेप होता है। उतार के हाथ वाथ धो के अंदर आ जाओ, खाना खाओ। ठीक है, खाना क्या है? खाने में क्या है आज? खाने में कुछ नहीं है, चटनी है धनिया की। हाँ, और रोटी है बिना घी की। किसकी? बिना घी के रोटी। बस ऐसे ही मन कर रहा था तुझे बिना घी की रोटी खिलाएं। डाइटिंग का बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे, सूखी सी होके भी इसको डाइटिंग करनी है। देखो हाँ, वो तो है। अब खाना पीना खा ले, हाथ मुंह धो के, फिर तू रखवाली करेगी इनकी चोरों से। मैं क्यों? क्योंकि मैं थक गई। मैं तो थक गई। मैं भी थक गई। आप तो घर पे बैठे बैठे आराम कर रहे हैं। हाँ, सबको ऐसे ही लगता है कि घर पे बैठे बैठे आराम कर रहे हैं। देख लो फ्रेंड्स, देख लो, इतनी सी है, इतनी सी, इतनी सी है ये लड़की, इतनी सी देखो, और कितना बोलती है। पापा जी के साथ आने और स्कूटी पे आने के एक्साइटमेंट में चीज भूल गई। मैं चीज लेना भूल गई। कितना बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान हो गया बेचारी का, बहुत दुखी हो गई है। देखो इसकी शक्ल दुखी, यूनिफॉर्म उतारते उतारते इसको याद आई है तो चीज लेना ही भूल गई। वही तो। ओ ओ, तो यहाँ पे अब ये दोनों बैठ के एक साथ खाना खा रहे हैं। दोनों को अलग अलग कटोरी में सब्जी दी है, क्योंकि इनके बीच लड़ाई होती है कि इसे ज़्यादा दे दी और मुझे कम दे दी। और लंच में बनाई थी आज आलू सोयाबीन की सब्जी, जो इन तीनों की फेवरेट है, और मैं उनको पता चला मैं वीडियो बना रही हूँ तो मना कर रहा था मत बनाओ। तो फ्रेंड्स, रखवाली ख़त्म हुई सामान की, मैं जी ले गए उसे आटा पिसवाने के लिए, और अभी शाम के 6 बजे हैं। धूप में बैठे बैठे रखवाली करते करते चोरों से सावधानी पूर्वक सामान बचाते हुए अपनी आँख एंजॉयड कर ली है मैंने। इस आँख में दर्द हो रहा है, देखो मैं इधर देख रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये लाल पड़ गई है, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। नहीं दिखी तो कोई बात नहीं। और भी मैं दूध निकाल रही हूँ और मलाई का डब्बा भी निकाल रही हूँ, सामने रख देती हूँ इसे। और भी ठाकुर जी को दूध देंगे और इन दोनों को भी दूध देंगे, ये पढ़ाई कर रहे हैं, दूधम भी कर रहे हैं साथ साथ में। हाँ, दूध भी कर रहे हैं, उदम भी कर रहे हैं। 6 बज गए हैं तो सोचा इन्हें दूध दे दूं और ठाकुर जी को भी दूध दे दूं। हमारी शाम हो गई, ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। दिन ऐसे ही जाता है, दिन में कुछ खास नहीं होता। थोड़ी देर लेटी हुई थी मैं कि आंख में थोड़ा सा फायदा पहुंचे, लेकिन लगता है ड्रॉप्स यूज करनी पड़ेगी तभी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा मुझे। वैसे तो कुछ लग नहीं रहा फायदा, मेरे को दर्द हो रहा है इसकी वजह से, इसीलिए मैंने ये बांध रखा है। आज मैंने बहुत मेहनत का काम किया है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत का काम किया है, पूरे दिन चौकीदारी की है पूरे दिन, पर अप्रिशिएट कोई नहीं करता गाइस, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। हमारा चाहे सिर टूटे चाहे सिर फूटे, काम तो हमने ही करना होता है। मैं अपने लिए चाय भी बनाऊंगी
और आज के ब्लॉग में ज्यादा कुछ खास नहीं फ्रेंड्स, इतना ही छोटा सा ब्लॉग रहेगा ये। कल भी मॉर्निंग के बाद नहीं बनाया था वही, कल भी भाई चौकीदारी बन गए थे हम तो, कल भी चोरों का ही मसला था और आज भी चोरों का ही मसला है। लाइफ ऐसी जा रही है चोरों को पकड़ने में भगाने में, 2 दिन हो गए चोरों से ही पाला पड़ रहा है।